હેલો મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય હિન્દી પાઠ 2 બાપુ કી કુટિયા મેં, તેમના લેખક છે રામ વૃક્ષ બેનીપુરી. તેમનો જન્મ સન 1902, તેમનું મૃત્યુ સન 1968. રામ વૃક્ષ બેનીપુરી કા જન્મ બિહાર કે મુઝફ્ફરપુર જિલ્લે કે બેનીપુર ગાંવ મેં હુઆ થા. બાલ્યાવસ્થા મેં હી ઇનકે પિતા કા નિધન હો ગયા થા. ઇનકે લાલન પોષણ इनके पालन पोषण इनके मौसी ने किया था. सन 1920 में मेट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने से ही पहले ही पढ़ना लिखना छोड़ कर ये गांधी जी की असहयोग आंदोलन में कूद पड़े. वह कई बार जल गए. बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद शिक्षा पास की. 15 वर्ष की अवस्था से ही वे पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे. राम वृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं में रचनाएं की. साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ. तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, जनता आदि साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया. माटी की मूर्तें और लाल तारे उनके रेखाचित्रों के संग्रह है. गेहूं और गुलाब, चीता के फूल, पतितों के देश में आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं. ललित निबंध के क्षेत्र में उन्हें विशेष ख्याति मिली. प्रस्तुत पाठ बापू की कुटिया में लेखकों को गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने का रंज है, तो दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का सुअवसर पाकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं. लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर बापू की वस्तुओं के साहचर्य से वे उन्हें अपना आसपास महसूस करते हैं. हवे જોઈએ આપણે શબ્દ. કૃત કૃત્ય એટલે કે ધન્ય ધન્ય. પાઈ તાના પાવો કો ફેલા કર સોને કી દિશા. છે બાપુ સુતા તેને શું કહે છે કે પાઈ તાના. શુભ્ર એટલે સફેદ. ખડાઉ એટલે કે પાદુકા લકડી કી. મિથ્યા એટલે કે ઝૂઠ. આત્મસ્થ એટલે આત્માને સ્થિત. અહેસાસ એટલે અનુભવ. ઉદ્ભિદ એટલે વનસ્પતિ. અંડજ એટલે અંડે સે ઉત્પન્ન જીવ. પિંડજ એટલે ગર્ભ સે ઉત્પન્ન હોને વાલા. ઉબળ ખાબડ એટલે કે ઊંચી નીચી સતહ. ખુરદરા દફતી મોટે કાગજ કી પટ્ટિકા. નિર્નિમેષ અને અપલવ. ઉદ્વેલિત એટલે કે આંદોલિત અથવા આંદોલિત પ્રાપ્તિ.